हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज़ी रेसिपीज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ परफेक्ट दही जमाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने 500 ml के करीब दूध ले लिया था और इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसे तब तक बॉईल करना है जब तक ये आधा ना हो जाए, यानी 500 से 250 ml के करीब ना हो जाए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक छन्नी में मैंने 3 टीस्पून के करीब दही ले लिया था। ये पहले से दही मेरे पास रखा हुआ था, वही लिया है। मैंने दही लिया था और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। जब इसका दही का पानी अच्छे से निकल जाए तो मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। बाउल में डालने के बाद हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहना चाहिए, वरना दही खट्टी जल्दी हो सकती है। इसीलिए इसे बहुत अच्छे से फेंट लेना है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दूध जो मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ा था वो लगभग 70% के करीब ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे देख रही हूँ कि ये दही जमाने के लिए परफेक्ट है या नहीं। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा ड्रॉप डाला है अपने नेल पर और ये बिल्कुल भी बह नहीं रहा है, बिल्कुल जमा हुआ है। तो समझ जाइए आपका दूध दही जमाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैंने जिस पॉट में मुझे दही जमाना है, मैंने उसमें दूध को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें जो मैंने फेंट के दही रखा है, उस दही को मैं ऐड करूँगी। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है दही में। आप चाहें तो इसी बॉल में दूध डालकर इसे अच्छे से फेंट के उसके बाद दूध में मिक्स कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको फेंटने के बाद धीरे धीरे, थोड़ा स्लोली ही फेंटिएगा, इसमें दूध में मिक्स कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे फॉइल पेपर से रैप कर दिया है। रैप करने के बाद इसे ढक्कन लगा के आप किसी ऐसी जगह में रखें जहाँ थोड़ी गर्माहट हो, क्योंकि दही गर्माहट में ही जमती है। आप चाहे तो इसके ऊपर मोटा टॉवल या गर्म कपड़ा भी डाल सकते हैं। मैंने इसे ओवन के अंदर रख दिया था ओवरनाइट के लिए। 12 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है। आप चाहे तो टूथपिक से भी टेस्ट कर सकते हैं। मुझे देखकर ही समझ में आ गया था कि दही अच्छे से जम चुकी है। आप चाहे तो टूथपिक से टेस्ट करके देख सकते हैं। इस पर टूथपिक को डालिए, अगर वो दही ना हिले तो आप समझ जाइए आपका दही जम चुका है। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त दही जमी हुई है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। आप इसे एक हफ्ते तक फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं, रायते के लिए, कोई भी डिश बनाने के लिए आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।